अस्सलाम वालेकुम। शारान फॉरेस्ट से आपको वेलकम। कल पूरे दिन की ट्रैवलिंग के बाद रात 9 बजे तक जीप में बड़ी खतरनाक ड्राइविंग करते हुए हमारे दोस्त ऊपर लेके आए हमें। जगह नो डाउट आउट क्लास है, बहुत अच्छी है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। कल रात को तो अराइवल थी यहाँ पे और एक छोटा सा बोन फायर प्रोग्राम था जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट पे टॉक भी थी। आज एक्चुअली सही मानों में ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है। 140 स्टूडेंट्स 30 डिफरेंट सिटीज से 70 यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मिलियन स्माइल्स प्रोजेक्ट ने ऑर्गेनाइज किया, उनको अरेंज किया यहाँ पे और लीडरशिप बूट कैंप करा रहे हैं जिसमें उनको आज हम ट्रैक वेंचर जो पार्ट है ट्रेनिंग का उसमें ट्रैकिंग के लिए लेके जाएंगे। 2.5 घंटे की ट्रैकिंग है और ड्यूरिंग द ट्रैकिंग हम उनके साथ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। वापस आके ट्रैक वेंचर से फिर आपके साथ दोबारा बात करेंगे, वहां पे भी आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसको एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करते हैं। वेन्यू है, जो जगह है, लोकेशन है, इसमें तो नो डाउट कि इट्स 100% नेचुरल ब्यूटी और आप कह सकते हैं इट्स अ वर्जिन ब्यूटी बिकॉज बहुत कम लोग अभी तक यहाँ आ सके हैं। और मेरे ख्याल से अगर समाओ रोड बन जाए तो ज्यादा चांसेस हैं कि लोग यहाँ पे आएंगे और बल्कि आना चाहिए, लेकिन जब तक रोड ठीक नहीं है तब तक थोड़ा मुश्किल है। आपको कुछ व्यूज दिखाते हैं यहाँ पे, आपको अंदाजा हो कि कैसी जगह है ये। एक यहाँ से जो सबसे मजेदार बात है, आप देखें सामने एग्जैक्टली स्क्रीन के सेंटर में मैं जूम करता हूँ, ये जो टॉप नजर आ रहा है आपको, ये शुग्रान टॉप है। शुग्रान किवाई से जो आप ऊपर जाते हो और ये शुग्रा और जो जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ शारान फॉरेस्ट, ये बिल्कुल एक दूसरे के समझ लें अपोजिट है। अगर आप गौर से देखें नीचे तो वो मेन रोड है, आप नेशनल हाईवे कह लें या जो भी, जो नारायण कागान की रोड, उस रोड के लेफ्ट साइड पे इधर हम हैं शारान फॉरेस्ट में और ये राइट साइड पे जो है वो, इसको आप कहेंगे शुग्रा। लाइफ इज वेरी स्लो हियर बिकॉज यू नो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड दीज नेचुरल प्लेसेस, बट दिस इज very nice place, no doubt about it. This is how we see on the flowers. अच्छा, ये जो वेन्यू है यहाँ पे, इसको ग्लैम्पिंग साइट कहते हैं। यहाँ पे कुछ हट्स हट्स या पॉड्स बने हुए हैं जिसमें एक या दो लोगों के रहने के दो दो रूम भी हैं, एक सिंगल रूम भी है। ये तकरीबन आप कह लें कि फॉरेस्ट से प्रॉबली 25 या 35 मिनट्स की राइड पे है। तो यहाँ से आगे जीप में ये रास्ता है, यहाँ पे ये रास्ता जाएगा फर्दर ऊपर जहाँ पे साइट कैंपिंग साइट है, शारान फॉरेस्ट की जो एक्चुअल साइट है वहाँ तक 25-35 मिनट्स में। अ फॉरेस्ट इन रियल सेंस, अ फॉरेस्ट मीन्स के वाकई सही मानों में नेचुरल फॉरेस्ट। लेट मी शो यू द road towards Sharan. That's the jeep. I guess we are going to go in this jeep to the forest. ये रास्ता है जी शारान फॉरेस्ट का। दिस इज हाउ यू कैन गो अप टू द टॉप।